आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र प्रबल प्रताप सिंह तोमर एक दिन के निजी दौरे पर इंदौर आए। इस दौरान श्री तोमर स्वर्गीय घनश्याम सिंह परिहार के सुखदेव नगर स्थित निवास पर भी पहुंचे। तोमर ने कहा कि परिहार परिवार से पिता के भी आत्मीय संबंध रहे हैं और मैं इन्हें संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आज निजी दौरे पर इंदौर आया हूं। तोमर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का संदेश दे रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देकर पार्टी संगठन के प्रमुख पदों की कमान युवाओं के हाथों में सौंप रही है। वहीं कृषि बिल और किसानों के सवाल पर तोमर ने जवाब नहीं दिया। श्री तोमर भाजपा नेता शुभम गुप्ता के साथ दिन भर निजी दौरे पर रहे। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व सुदर्शन जी गुप्ता, शुभम गुप्ता, भाजपा नगर उपाध्यक्ष जयदीप जैन, गोलू परिहार, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अमित सिंह परिहार, शिव शंकर ठाकुर, सुभाष मंडल अध्यक्ष कपिल शर्मा, मंडल महामंत्री सावन वर्मा, कोषाध्यक्ष मनोज जैन, मनोज जायसवाल, धर्मेंद्र कथौरिया, करनी सेना अध्यक्ष राजा ठाकुर, सोनू ठाकुर, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री शमी सोनी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज मेरा इंदौर का दौरा व्यक्तिगत दौरा है। मैं काफ़ी समय से कोरोना के बाद आना नहीं हो पाया था जी। तो पारिवारिक कुछ शादियों में नहीं आ पाया था, तो बहुत सारी कमियां थी। तो आज सब लोगों से मिलने आया हूँ। ये पारिवारिक दौरा है, कोई व्यक्तिगत दौरा है, राजनीतिक दौरा नहीं। एक सवाल आपसे इसलिए किया जाएगा कि आप नरेंद्र सिंह जी तोमर के भी पुत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है। हमेशा युवा मोर्चे में युवाओं को रखा जाता, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी में भी युवाओं को मौका दिया है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मोदी जी युवाओं को बढ़ा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तय किया है कि सभी मंडल अध्यक्ष, सभी मतलब पार्टी की कमान युवाओं के हाथ में दी जाएगी। अभी आप देख रहे हो कि हमारी मेन पार्टी में भी युवा मंडल अध्यक्ष बन रहा है, तो युवाओं को पार्टी आगे ला रही है, इसलिए युवा आगे बढ़ रहे हैं जी। आज परिहार परिवार में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आत्मीय संबंध आपके परिहार परिवार से है? हमारे पारिवारिक संबंध है, अभी तक पापा निभाते आ रहे थे, तो अब मैं आगे आया हूं, तो अब मैं भी निभाता आऊं, ऐसी कल्पना के साथ आज आया हूं। गोली भाई सारे परिवार के साथ मिला और खाना खाया, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आज तोमर जी आपके आए थे, प्रबल प्रताप सिंह तोमर जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको आज यहाँ पर स्वागत किया? आज भारतीय युवा मोर्चा की ओर से हमारे प्रबल प्रताप आए। अगले हफ्ते हमारे साथ यहाँ पर निवास पर नरेंद्र सिंह जी तोमर भी पधारे थे। इस परिहार परिवार की ओर से इनके बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध है, ये हमेशा निभाते आ रहे हैं, इसलिए भी आज उनके सपुत्र यहाँ पर आकर बोल गए, बोले काका नहीं रहे, उस विषय में आज श्रद्धांजलि दी उनने और युवाओं को एक बहुत अच्छा हौसला देकर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर भी कुछ कहा उन्होंने? बहुत अच्छी बात की, युवाओं को भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम दे रही है, युवाओं को नशा मुक्त कर रही है। यही चाहते हैं मोदी जी से कि हमेशा युवा आगे बढ़े। आपका नाम बताएं? शम्मी सोनी, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल महामंत्री।